माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे फिसल की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने को अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करो। मैं ये भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। नहीं नहीं मेरे बच्चे नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित बस बस रोहित 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 प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस पक्षी को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जाओ, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा,
अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से ही आता है। तूने उसे कोख में ही मार दिया। मुझे माफ कर दो। अरे मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं बेटी को बचाऊंगा। अरे मैं तो क्या, ये सब बेटी को बचाएंगे। आज तो बेटियों को बचाएंगे, कल गंदी सोच के लोग दामिनी की तरह हमें भी नोच खाएंगे, वहां से बच गए तो दहेज के नाम पर जलाएंगे, अगर अपनी पसंद से शादी की तो ऑनर किले के नाम पर हमारा खून बहाएंगे, अगर कोख से बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्यों आए हम यहाँ तुम्हें खुशियां देने? यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि उसकी बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश ढोती है बेटियां, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? यादों के द्वारा जो कि इटावा से पधारे हुए हैं, एक 501 रुपए विद्यालय को आर्थिक राशि प्रदान हुई है। विद्यालय पर